मैं इस वीडियो में चार ऐसे सिंपल मील्स दिखाने वाला हूँ जो तुम पूरे दिन में ऐड कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा सस्ती पड़ेंगी, आसान है, हाई इन क्वालिटी है एंड न्यूट्रिएंट्स में काफ़ी अच्छा रहेगा। ये जो डाइट बता रहा हूँ, अगर तुमने इसे 10 से 12 हफ्ते तक फॉलो किया तो तुम्हारे जिम एंड फिटनेस लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, एक भी पॉइंट मिस मत करना, ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आ जाए कि इतनी आसानी से डाइट कैसे करनी। जो भी मील होगी उसके मैं मैक्रोज, न्यूट्रिएंट्स, कैलोरीज जो है वो हर मील में मेंशन करता जाऊँगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। So, हमारी जो सबसे पहली मील है, सबसे ज़्यादा आसान मील होने वाली है। मैं इसमें ही आपको एक शेक बना के दिखा रहा हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा एंड बहुत ही ईजी तरीका है कैलोरीज इनटेक करने का, बहुत ही हेल्दी होने वाला है। तो सबसे पहले इस ग्राइंडर जार में मैंने एक केला ऐड कर लिया है चॉप करके, ताकि इसमें लम्स ना बने, तो वन बनाना है। जिसके बाद मैं एक कटोरी ओट्स ऐड कर रहा हूँ, इसमें अप्रोक्सीमेटली 50 ग्राम ओट्स हैं। जिसके बाद मैं यहाँ पर एक बड़ा चम्मच पीनट बटर का ऐड कर रहा हूँ, इससे काफ़ी ज़्यादा कैलोरी डेंस हो जाएगा एंड हाई इन प्रोटीन होएगा। फोर्थ इंग्रेडिएंट इसमें मैं दूध ऐड कर रहा हूँ, एक ग्लास दूध, तो काफ़ी होलसम कर देगा इसको। बस अब हम अपने शेक को ग्राइंड करेंगे अच्छे से इसको कंप्लीट करने के लिए। सो मेरा शेक बनकर अभी रेडी हो चुका है, हाई कैलोरी शेक एंड हाई इन प्रोटीन। इस खाने के मैक्रोज आपकी स्क्रीन पर मेंशन है, बहुत टेस्टी है, अमेजिंग, इसको जरूर ट्राई करना। तो ये वाली मील बेसिकली लंच होगा। अभी कैसा है कि मैंने इसमें 40 ग्राम सोयाबीन की बड़ियां जो होती हैं वो ऐड करी है, सोयाबीन चंक्स जिसे हम बोलते हैं, हाई प्रोटीन के लिए। चावल है मेरे पास एंड मेरी दाल जो अभी बन के आ रही है मैंने गर्म करवाने के लिए दिया है। तो मेक श्योर गाइस, इस मील में तुम एक कटोरी दाल भी ज़रूर लेना, ताकि अच्छा स्वाद आए एंड हमें अच्छा एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स मिल जाए। इस खाने के मैक्रोज आपकी स्क्रीन पर मेंशन है, हमारे पास है राइस फॉर गुड कार्बोहाइड्रेट्स एंड सोयाबीन फॉर हाई प्रोटीन। तो मेरे पास इस समय दो छोटे केले हैं जिनको मैं अभी चॉप कर दूंगा। तो इस केले के साथ मैंने यहाँ पर दो आटा ब्रेड ले लिया है, जिसमें मैं डिजानो का पीनट बटर ऐड करने वाला हूँ। तुम देखो, इससे ये मील मेरी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी प्लस हाई इन प्रोटीन। अगर तुम इसके पैक पे चेक करो तो तुम्हें पता लगेगा काफ़ी हाई क्वालिटी नेचुरल पीनट बटर है ये, एंड यू सी जीरो ट्रांस फैट, हाई इन मूफा एंड नॉन GMO पीनट्स हैं। सबसे बड़ी बात, इसमें नो एडेड शुगर है एंड द ओनली इंग्रेडिएंट इज पीनट्स। वैसे मार्केट में इस समय बहुत सारे पीनट बटर हैं, बट व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर अ गुड नेचुरल पीनट बटर, जब भी आपको अच्छा हाई क्वालिटी नेचुरल पीनट बटर खरीदना है, तो जस्ट एक चीज़ दिखाता हूँ, वो तुम चेक कर सकते हो कि पीनट बटर जब तुम लो उसमें इंग्रेडिएंट जो है पीनट्स होना चाहिए, 100% पीनट्स, और कोई इंग्रेडिएंट नहीं होगा इसमें। नो एडेड ऑयल, नो एडेड पाम ऑयल, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इट्स जस्ट ओनली होल न्यूट्रिशियस पीनट्स। डिसानो का ये अनस्वीटन पीनट बटर देख लो, क्रंची में मैं यूज़ करता हूँ एंड तुम देख सकते हो मैंने काफ़ी सारा जो है फिनिश ऑलरेडी कर दिया है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, मेक श्योर यू गाइस चेक इट आउट। तो इस तरह ब्रेड पे तुम एक बड़ा चम्मच पीनट बटर स्प्रेड कर दो, जिसके बाद तुम्हें इसे बनाना से टॉप करना है। ये वाली मील मेरी पर्सनल फेवरेट है क्योंकि मुझे इसका स्वाद बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। इस खाने के मैक्रोज आपकी स्क्रीन पर मेंशन है, पीनट बटर और बनाना का जो कॉम्बिनेशन है, लाइक अमेजिंग। तो इस मील को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर अभी दो अंडे लिए हैं और इन्हें बनाऊंगा। एंड एक चीज़ चेक करो, ये मेरे पास चॉप्ड ऑनियन है और चॉप्ड टमाटर है, इसको मैंने ऐड कर दिया। अब ये नमक दानी है, सबके घर में होती है, जिसमें सबने मसाले रखे होते हैं। सॉल्ट लेने वाला हूँ एंड हल्दी लूंगा, ये चेक करो। सो हल्दी कभी भी मैं मिस नहीं करता, ऑमलेट बना रहा होता हूँ जब, या फिर मैं अंडे की भुजिया बनाऊँ तो मैं हल्दी को कभी मिस नहीं करता, बिकॉज इतना ज़्यादा बेनिफिट मिलता है इस समय, इतनी ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होती है, तो इसे मिस नहीं करना। मैं प्रेफर करता हूँ हिमालयन सॉल्ट यूज़ करना थोड़ा सा। अब इसको बस मिक्स करना है। अब देखो, कुकिंग करने के लिए कौन सा ऑयल यूज़ करें, इस चीज़ को लेकर भी लोगों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। कोई कहता है कि ऑलिव ऑयल यूज़ करें, किसी के पास बजट इशू होता है, कोई घी में बनाता है, लेकिन हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो सिंपली सरसों का तेल में भी हम अपना खाना बनाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। मैंने अपनी बॉडी बिल्डिंग का जितना भी खाना बनाया है, कुक करा है, तो मैं हमेशा सरसों का तेल यूज़ करता था। अब तुम्हें मैं एक ट्रिक और दिखाना चाहता हूँ, जिससे तुम कम से कम ऑयल कंजम्पशन करोगे अपना खाना कुक करते वक्त। तो इस नॉर्मल पैन को मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने अंडे की भुजिया बनाने के लिए, एंड वी हैव टू मेक श्योर कि हेल्दी हो। सिंपल जो ब्रश होता है इसको यूज़ करो, मार्केट में मिल जाता है 10-15 रुपये का। तो ये ऑयल मैंने हल्का सा लगा लिया एंड इससे मैंने इसको कोट कर लिया, ठीक है। इससे हम कम से कम ऑयल यूज़ करेंगे एंड हमारा खाना भी नहीं चिपकेगा और कुक भी हो जाएगा अच्छे से। तो एक फ्राई पैन गरम कर चुके हैं एंड इस पर हम अंडा डालने वाले हैं। गाइस ये चेक करो, हमारी अंडे की भुजिया तैयार हो चुकी है एंड तुम्हें पता है हमने कितना कम ऑयल लगाया था, फिर भी कितना अच्छा कुक हुआ है। सो इस मील में दो रोटी के साथ मैंने अंडे की भुजिया ऐड करी है एंड प्रॉपर हमारा जो है एक कम्प्लीट मील बन चुका है, इसे तुम एंजॉय कर सकते हो।
इस खाने के मैक्रोज आपकी स्क्रीन पर मेंशन्ड है। अगर आप लोगों को इसके बाद भी ज्यादा भूख लगती है तो बीच में कोई भी सीजनल फ्रूट ऐड कर सकते हो एंड रात को सोने से पहले एक ग्लास दूध भी ले सकते हैं। अपनी फिटनेस और लाइफस्टाइल को बेटर बनाने के लिए इसी बेसिक डाइट से शुरुआत करो एंड धीरे धीरे तुम्हें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। ऑलराइट गाइस, अगर तुम लोग ये वीडियो अभी भी देख रहे हो तो आई दिल से अप्रिशिएट यू। मैं चाहता हूँ कि तुम इस वीडियो को जरूर से शेयर कर देना एंड अगर पसंद आई तो मेक श्योर इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। कीप वर्किंग हार्ड।